दो मैच में 2 शतक और 345 रन जब इंग्लैंड के खूंखार प्लेयर ने भारत की दिलीप ट्रॉफी में बरपाया था कहर। जी हां दोस्तों, स्वागत है आपका। इन दिनों भारत में दिलीप ट्रॉफी का आयोजन हो रहा है जिसमें देश के कई बड़े खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। दिलीप ट्रॉफी बीसीसीआई का एक घरेलू टूर्नामेंट है जिसमें सिर्फ भारत के ही खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार कुछ ऐसा हुआ था जब विदेशी स्टार खिलाड़ी भी इस टूर्नामेंट में खेलते नजर आए थे। हाल ही में इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज केविन पीटरसन ने भी अपने पुराने दिनों को याद करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की। पीटरसन ने उस समय दिलीप ट्रॉफी के सिर्फ 2 ही मैचों में रनों की बारिश कर दी थी। अपने समय के खूंखार बल्लेबाज रहे इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने 2003-2004 में इंग्लैंड ए टीम के सदस्य के रूप में भारत दौरे पर आए थे। दिलीप ट्रॉफी में खेलते हुए उन्हें भारतीय गेंदबाजों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने इस अनुभव को याद करते हुए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की। और तो और 2004 के दिलीप ट्रॉफी में सिर्फ केविन पीटरसन ही नहीं, मैट प्रायर, साइमन जोन्स और जेम्स ट्रेडवेल जैसे कई इंग्लिश खिलाड़ी खेलने आए थे। उस समय पीटरसन नॉटिंगहम शायर का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। यह दिलचस्प बात है कि यह पहली बार था जब दिलीप ट्रॉफी में किसी विदेशी टीम को आमंत्रित किया गया था, तो वहीं केविन पीटरसन के लिए 2004 में खेली गई दिलीप ट्रॉफी काफी अच्छी गुजरी थी। उन्होंने 2 मैचों की 4 पारियों में 86.25 की औसत से 345 रन स्कोर किए। इस दौरान पीटरसन ने 2 शतक और 1 अर्धशतक लगाया था। हालांकि पीटरसन की शानदार पारियों के बावजूद इंग्लैंड ए ने दोनों मुकाबले गंवा दिए थे। दोनों ही मैचों में पीटरसन की पारियों पर पानी फिर गया था। तो वहीं बता दें कि दिलीप ट्रॉफी में केवल भारतीय क्रिकेटरों को खेलने का ही मौका मिलता है। इस बार भी इस प्रतियोगिता में 4 भारतीय टीमों A, B, C और D ने भाग लिया है। तो दोस्तों, क्या आप भी चाहते हो कि भारतीय दिलीप ट्रॉफी में इंग्लिश प्लेयर या ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर भी आके खेलें? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।